हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स अनिकिता व्लॉग। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बोकारो रेलवे स्टेशन से आप लोग रामगढ़ कैसे पहुंचे, ठीक है, यानी कि रजरप्पा मंदिर। तो आइए हम जानते हैं और साथ ही साथ रजरप्पा मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में भी जानेंगे। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो हम सबसे पहले बोकारो रेलवे स्टेशन से आप लोग टेम्पो वगैरह ले सकते हो या जीप भी रहती है वहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आ सकते हैं। आप लोग बुकिंग करके भी आ सकते हैं, 1100 लगेगा आपको, ठीक है, या आप लोग आधे पैसे दे के भी आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको तरह तरह के झंडे देखने को मिलेंगे, हरियाली देखने को मिलेगी, तो आप लोग फैमिली के साथ ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को यहाँ का नज़ारा। और यहाँ के लोग आपको हिंदी, उर्दू और बांग्ला बोलने वाले मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको तरह तरह के झंडे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा सफ़र है। तो वीडियो को एंड तक देखें। आइए हम जानते हैं कुछ इतिहास के बारे में। तो ये आ गया नया मोड़, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऑटो या टोटो वगैरह। तो फाइनली गाइस हम लोग रजरप्पा के लिए बस देख रहे हैं अभी और यहाँ का व्यू आप लोग देख लीजिए, बहुत गजब का लग रहा है। तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है, बोकारो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग रजरप्पा जाएंगे, ठीक है, तो आपको स्टेशन से 1 घंटा 26 मिनट लगेगा। किलोमीटर की बात करें तो टोटल 58 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग कुछ डिस्काउंट वगैरह करवा रहे थे ड्राइवर अंकल से, वो हो गया, अब मैं जा रही हूँ। दिल बना रहा है अभी। अब हम रजरप्पा मंदिर में सती का कौन सा भाग गिरा था, तो सती का सिर धड़ से अलग होकर गिरा था। तो वीडियो में बने रहें, आपको नॉलेज भी मिलते रहेगी। यहाँ पे बसेस लगी हुई है, बस वाले अंकल। रजरप्पा मंदिर के भैरवी और भेड़ा दामोदर नदी के संगम पर माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को प्रचंड चंडिके के रूप में भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे रजरप्पा मंदिर किस जिले में है। तो रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, जो कि शक्तिपीठ के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है। भैरवी व दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं और यहाँ पे बकरी की बलि भी दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे तरह तरह के झंडे लगे हुए हैं। अब हम जानेंगे छिन्नमस्तिका देवी के पैरों के नीचे क्या है। तो काम और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्तिका के चरण कमलों के नीचे दर्शाया गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना, प्रेम और यौवन के देवताओं को रौंद रही है। कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं का प्रतीक है। देखिए गाइस, यहाँ के जंगल एरिया और यहाँ पे एक पुल है और यहाँ से अभी अभी एक मालगाड़ी गुजरा था। अब हम जानेंगे छिन्नमस्ता की क्या कहानी है। तो छिन्नमस्ता एक व्यक्तिगत देवी के रूप में नारद पंचरात्र से जुड़ी एक किंवदंती बताती है कि कैसे एक बार मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय पार्वती कामुक हो जाती है और काली पड़ जाती है। उसी समय उनकी दो महिला परिचारिकाएं डाकिनी और वर्णिनी, जिन्हें जया और विजया भी कहा जाता है, बहुत भूखी हो जाती है और भोजन की भीख मांगती है। तो माँ छिन्नमस्तिका अपना सिर काट के खून देती है, जिससे 3 धाराएं बहती है, ठीक है, तो वो सभी अपना भोजन करती हैं। यहाँ पे बहुत ढलाव रास्ता है, आप लोग देख सकते हैं, और एक गाय है वहाँ पे, काफी एक गाय हटी है। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं मेन हाईवे पे और यहाँ से देख लीजिए व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, आपको कुछ कुछ व्यू दिखाते हैं। अब हम जानेंगे कि माँ छिन्नमस्तिका की शक्ति क्या है। तो उन्हें जीवन दायिनी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है
कि जो भक्त छिन्नमस्ता देवी की पूजा करते हैं वे अपनी सभी कठिनाइयों और परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से भक्तों की आध्यात्मिक और सामाजिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो आप लोग भी जरूर आए और पूजा जरूर करें, आपकी मन्नतें पूरी होगी। भाई देखिए क्या चढ़ाव है, वाह बहुत अच्छा रास्ता है और नजारा तो एक नंबर। मौसम बहुत ठंडा किया हुआ है, पूरा मास्क लगाए हुए है। ये देखिए कपची ओढ़ लिया है, इनकी मम्मी ओढ़नी ओढ़ लिए, कान में हवा लग रहा है गाइस, क्या करें। रघु टिकटॉक और देखिए यहाँ पे गोला रोड और जैना मोड़ आ गया है, आप लोग देख लीजिए। इधर देखिए गाइस बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। इधर देखिए गाइस हाईवे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे बुलडोजर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और इधर पेट्रोल पंप, यहाँ पे सुबह सुबह गाय जा रही है घास चरने के लिए। यार यहाँ का व्यू जितना दिखाऊं उतना कम है, वाह यार मजा आ गया सच में, आप लोग देख सकते हो। आप लोग कभी बोकारो जरूर विजिट करें गाइस, बहुत अच्छा बोकारो। बहुत तेज हवा चल रही है इसके लिए लगाना पड़ रहा है, और कुछ बात नहीं है। हल्की हल्की बारिशें आना स्टार्ट हो गई है गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। पता नहीं आगे का सफर कैसा रहेगा, सो मिलते पहुंचते हैं उसके बाद। सो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कैसा जंगल सा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, वाह। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी जरूर आइए, यहाँ की वादियाँ देखिए, वाह अच्छा पूरा पहाड़। बोकारो को स्टील सिटी भी कहते हैं और ये अपनी हरी भरी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, तो इसे ग्रीन बोकारो भी कहा जाता है। और यहाँ पे कच्चे मकान बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, और बहुत कम है जो अच्छे घर या पक्के मकान बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग विजिट जरूर करें और यहाँ की सुंदरता जितना आपको बताओ उतना कम है फील करने का है। अब हम जानेंगे कि रामगढ़ का दूसरा नाम क्या है। तो राम शब्द मुर्रम से लिया गया है और गढ़ बेलूगढ़ से लिया गया है, ठीक है। तो कोयला के क्षेत्र का भारी स्रोत है और हजारीबाग जिले में सीतागढ़ और विष्णुगढ़ है। यह कहा जा सकता है कि रामगढ़ के सभी नामों को घोषित किया गया था। अब देखिए हमारा मोड़ आ चुका है, तो इधर से हम लोग अंदर जाएंगे और देखिए यहाँ गाइस ये देखिए यहाँ पे जंगल एरिया है, यहाँ पे जंगली जानवर भी रहते होंगे पक्का। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं, ये हमारा रास्ता है। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे कि कश्मीर की वादियों में आ गए हैं हम लोग, और देख के एंजॉय कर रहे हैं। उधर का लाइट अच्छा नहीं है, खेती होती है ये देख लीजिए, वाह यार दिल खुश हो गया यहाँ के। आप लोग भी कभी जरूर आए यहाँ पे बोकारो, बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। ये रहा गांव यहाँ का। तो जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन कर्मा पूजा था, और यहाँ पे कर्मा पूजा को लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए रास्ते में छोटे छोटे फ्लावर खिले हुए हैं जो और खूबसूरती को बढ़ा देता है,
ये आप लोग देख सकते हैं व्यू। वाह, रियल लाइफ यही है गाइस। लाइफ में ट्रैवल करना चाहिए, टाइम मिले तो जरूर करना चाहिए। ये देखिए नजारे, और देखिए गांव के आदमी कहाँ जा रहे पत्ते लेकर। अब हम जानेंगे रामगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध माछिर मस्तका का मंदिर के साथ एक खनन औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। अब जानेंगे रामगढ़ कहाँ स्थित है। तो यह भारतीय राज्य झारखंड के 24 जिलों में से एक है। रामगढ़ जिले की सीमाएं उत्तर और पश्चिम, हजारीबाग जिला उत्तर और पूर्व, बोकारो जिला पूर्व, पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल, दक्षिण रांची जिला से लगती है। एक गांव आया है सुदरी, ये देखिए सुदरी का व्यू। झुग्गी झोपड़ी हम लोग ऐसे रहते। अब हम बात करेंगे रामगढ़ में कितने गांव हैं। तो रामगढ़ जिले में 315 राजस्व ग्राम है। ये कर्मा पूजा हो रहा है गाइस, पूजा। वाओ, ओह माय गॉड। रामगढ़ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। रामगढ़ पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला है। कोयला और अन्य खनिजों की उपलब्धता के कारण यहां कई खनिज आधारित उद्योग जैसे स्टील, स्पंज, आयरन, सीमेंट, रिफैक्ट्री और थर्मल पावर प्लांट स्थापित है। और यहां के स्थानीय लोगों को भी साइकिल पर से बहुत सारे कोयले के बोरियां लेके जाते हुए भी आपको देख सकते हैं और देखा जा सकता है यहां की हरियाली और खूबसूरती। अब हम जानेंगे रामगढ़ में कौन सा मंदिर है। तो यह भैरवी और दामोदर नदियों के संगम पर रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर चिन्मस्तिके मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो हमारे वेदों और पुराणों में पाया जाता है और इसे शक्तिपीठ का एक प्राचीन और मजबूत स्रोत माना जाता है। और पूरे देश भर में ये दूसरा शक्तिपीठ है। ये गाइस देखो, वाह यार क्या सीन है यहाँ का। देखो वहाँ पे माउंटेन और वहाँ पे एक बर्ड आ रहा है और यहाँ का व्यू गजब। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बंदा बंदा, ये पहाड़ों की खूबसूरती कैसे छूटेगी गाइस। यहाँ का व्यू अच्छा। यहाँ दुकानें बहुत कम दिखने को मिलती है और घर भी। फिर क्या कहना था, पूरा नजारा लेते हुए मौसम का और इन बादलों का और इन हरियालियों का बहुत अच्छा लगा। फील कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे जरूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगी, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा आपको जैसे कि जंगलों के बीच से आपको रास्ता निकलते हुए जा रहा है और आप लोगों को कुछ अच्छा सा अनुभव होगा। और यहाँ पे आप लोग जरूर आइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, और आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा, आप लोग फील कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिद्धपीठ रजरप्पा धाम की भूमि में आपका स्वागत है। आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।